हे तो व्हाट्सअप गाज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे फ्लटर के आर्किटेक्चर को बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इसमें कॉम्पोनेट्स होते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है उसको आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे तो चले बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भैया फ्लटर में क्या क्या चीज़ें होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म यू आई टूल किट है जिसमें मदद मतलब से आप आई ओ एस एंड्रॉयड यहाँ तक कि वेब और डेस्कटॉप के एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है इसका जो गोल रहता है वो रहता है कि हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाना जो कि एकदम नॉर्मल लगे किसी भी प्लेटफॉर्म अगर आप रन करें तो वो उसी प्लेटफॉर्म का नेटिव एप्लीकेशन लगे और एक ही कोड बेस से आपका सारा काम हो जाता है फ्लटर फ्रेमवर्क में तो मेनली इसका दोस्तों हमें आर्किटेक्चर जानना है कि भैया आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है तो डिफरेंट लेयर्स होती है दोस्तों जैसे कि फ्रेमवर्क होता है देन इंजन होता है देन एम्ब्रॉडर होता है देन इसमें भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं तो इन सब को दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप यहाँ पर इसको जो है वो समझे तो क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्पोनेट्स इसमें होते हैं जिसको समझना ज़रूरी है वरना जो है वो आपको कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगा और इंटरव्यू में काफ़ी हद तक इससे पूछा जाता है ओके तो इसलिए दोस्तों इसके जो है वो कम्प्लीट आर्किटेक्चर को समझना वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको इजीली सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि फ्रेमवर्क में आपको जो है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप मटेरियल इसकी यू चेंज कर सकते हैं फाउंडेशन एनिमेशन जेस्चर्स विजिट्स रेंडरिंग क्यूपटीना uh, आइकन्स uh, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जिस पर दोस्तों हम काम करेंगे और जिसको मॉडिफाई करके हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे दिन उसके बाद में इस दोस्तों इसमें इंजन होता है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जिससे सर्विस प्रोटोकॉल कम्पोजिशन रेंडरिंग सिस्टम इवेंट्स असेट्स अट रिजोल्यूशन टेक्सट लेआउट ये सब डिसाइड होता है तो ये सब पे दोस्तों हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका और इसका काम फ्लटर फ्रेमवर्क खुद संभाल लेता है हमें जो चेंजेस करने पड़ते हैं वो इस पॉइंट पर करने पड़ते हैं तो एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल के तो समझते हैं कि ये सब uh, जो कॉम्पोनेंट है वो किस तरीके से काम करते हैं और किस किस तरीके से जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ठीक है तो दोस्तों uh, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको एक हाउस बनाना है और हाउस में क्या होता है अगर आपको एक घर बनाना है तो घर में आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ता है पहले uh, खम्भे लगाने पड़ते हैं देन उसके बाद में एंगल्स uh, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लगानी पड़ती है देन उसके बाद में आप वॉल्स की को रेडी करते हैं देन उसके बाद में आप छत रेडी करते हैं एंड देन उसके बाद में इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिज़ाइनिंग करते हैं डेकोरेशन करते हैं और सारे पार्ट्स जो है वो आप जैसे देख सकते हैं कि आ, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और अगर आप एक भी पार्ट को चेंज करते हैं मान लीजिए कि आपने फाउंडेशन चेंज करी तो आपको पूरी वॉल चेंज करनी पड़ती है अगर आपने वॉल चेंज करी तो आपको पूरा इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम करता है काम करते हैं ठीक है थीके? तो आ, जैसे कि आ, एक रियल लाइफ एनालोजी ले तो जैसे कि तो जो कंक्रीट फाउंडेशन होता है जैसे कि आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं तो ये जो है उसकी कंक्रीट फाउंडेशन होती है तो वैसे ही फ्लटर में जो सिमिलर अगर हम इधर से मैच करें तो फ्लटर में भी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइक like आपका पेंटिंग हो गया आपका जेस्चर्स हो गया ठीक है देन उसके बाद में आ, 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 आपका आ, जो है वो आ, और क्या हो सकता है रेंडरिंग uh, हो गया देन विजिट्स हो गए ये सब आपकी फ़ाउंडेशन होती है ये आपकी फाउंडेशन होती है आपके आ, आपके आपके एप्लीकेशन की जैसे कि घर में कॉलम्स होते हैं देन उसके बाद में आ, हम अगर हम देखें तो जैसे रेंडरिंग लेआउट होता है आपका रेंडरिंग जो लेआउट है जो आपका यह रेंडरिंग लेआउट है रेंडरिंग लेआउट क्या तो दूसरों डिसाइड करता है ये रेंडरिंग लेआउट जो है वो डिसाइड करता है दोस्तों लेआउट मैनेजमेंट का कि भैया कहाँ पर कौन सी चीज़ आने वाली है एक अगर एप्लीकेशन है आपका तो उसमें भैया बटन किधर आने वाला है देन उसके बाद में आपकी इमेज कहाँ पर लगने वाली है देन उसके बाद में आपकी टेक्स्ट कहाँ पर डलने वाला है ये सब आपका किसके अंडर में आता है रेंडरिंग लेआउट में कि आप लेआउट सेट करते हो भैया कि कहाँ पर क्या आने वाला है जैसे कि घर में होता है घर में आप पहले डिसाइड करते हो कि भैया कहाँ कहाँ पे कॉलम पढ़ने वाले हैं तो उसके बाद में कहाँ कहाँ पर एंगल जाएंगे ठीक है तो ये सब आपके फाउंडेशन होती है जिससे कि आपको पता चलता है कि भैया घर का नक्शा किस तरीके से बनने वाला है तो भाई रेंडरिंग लेआउट एंड घर का फाउंडेशन एग्जैक्टली सेम होता है कि आप जैसा यहाँ पर डिसाइड करोगे कि भाई कहाँ कहाँ पर कॉलम लगने वाला है तो वैसे ही आपका दोस्तों यहाँ पर आप एप्लीकेशन में डिसाइड करते हो कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉम्पोनेंट आने वाले हैं देन उसके बाद में लाइक uh, uh, like, uh, अगर आप देखो तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो आपके आते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स जैसे कि आपकी जो विजिट्स होती है विजिट्स आपकी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होती है लाइक like, uh, आपकी जो वॉल्स होती है वॉल्स कहाँ पर आएगी ठीक है देन विंडोज़ कहाँ पर आने वाली है ये सब आपकी विजिट्स से रिलेट करती है कि जैसे कि आपका एप्लीकेशन होता है वो आपकी एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है भैया रेंड्रिंग लेआउट ठीक है रेंड्रिंग लेआउट हमने समझा कि भैया किस तरीके से यहाँ पर कॉलम uh, वॉलम आने वाले देन उसके बाद मैं आपके क्या डिसाइड करते हो कहाँ पर दरवाजे आएंगे कहाँ पर विंडो आएगी तो उसी तरीके से आप अपने फिल्टर एप्लीकेशन में भी डिसाइड करते हो कि अब आपने जब लेआउट सेट कर लिया है तो वहाँ पर कौन कौन से विजिटिट्स आएंगे विज्जिट्स मतलब कि आपका यहाँ पर होता है कंपोनेंट कि भैया इमेज है तो अब इमेज में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं कि जैसे कि एक हो सकती है आपकी नॉर्मल इमेज जो आपकी कहाँ से हो रही है आ, आपके लोकल लोकल डेटा सेट से लोकल डेटाबेस से निकल रही है आपके फ़ोन आपके जो एप्लीकेशन की स्टोरेज है उसी में आपने इमेज स्टोर करवा कर रखी कर है और वहीं से इमेज निकल रही है या फिर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि आपकी इमेज है और आपकी इमेज कहाँ से लोड हो रही है इंटरनेट से लोड हो रही है आपकी इमेज कहाँ से लोड हो रही है इंटरनेट से लूड हो रही है तो एक ही जगह पर आपकी अलग अलग विजिट्स प्लेस हो सकती है तो जैसे कि आपके घर में होता है कि भाई विंडो आपको जो है वो ऐसी दो गेट वाली लगवानी है या फिर जैसी आपको इस इमेज में दिख रही है कांच वाली लगवानी है या फिर आपको जो है वो जैसे विदेशों में होती है जो ऊपर नीचे फ्लिक होती है वैसी वाली लगवानी है या फिर ऊपर ओपन होती हुई लगवानी है सारी के सारी विंडो ही होती है बट तरीके अलग अलग है कि भैया आपको कौन सी विंडो वहाँ पर लगवानी है आपके दरवाजे अलग अलग टाइप को सकते हैं कि दो टाइप दो गेट का दरवाज़ा हो या फिर एक बड़ा गेट हो या फिर एक छोटा गेट हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर गेट में कौन सा गेट लगवाते हैं आपने सेट कर दिया कि तो भाई लोकेशन नहीं होने वाली है गेट की बट गेट कौन सा चूज़ करना है वो आपके ऊपर रहता है उसी तरीके से आप रेंडरिंग लेआउट सेट कर देते हो एप्लीकेशन में बट उसके बाद में जो उसमें विजिट्स है वो कौन सी यूज़ होनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से विजिट्स में लगाते हो तो ये जो होती है हमारी विजिट्स की जो विजिट्स की लेयर होती है ये हमारी वो होती है ठीक है देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारा होता है विजिट्स हमारी कम्प्लीट होगी दैन उसके बाद में हमारा होता है मटेरियल एंड क्यूपर टीनो लाइब्रेरीज जैसे कि मटेरियल आपका है एंड क्यूपर टीनो लाइब्रेरीज है मटेरियल क्या है एक यू का फ्रेमवर्क है एक यू का आपको आप बोल सकते हो कि आप यू की किट है जिसकी मदद से आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो अलग अलग टाइप की किट्स आती हैं जैसे कि मटेरियल किट्स हो गई और भी काफ़ी अलग अलग टाइप की किट्स आती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि अब आपने एक गेट लगा लिया आपने बोला कि चलो ठीक है तीन आ, दो डोर वाला गेट चाहिए हमको हमारे घर में अब दो डोर वाले गेट में भी आपके पास में अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि दो डोर वाले गेट में आपको कैसे चाहिए वुडन में चाहिए प्लास्टिक में चाहिए आपको कांच वाला चाहिए ठीक है कैसे चाहिए कांच या वुडन वाला चाहिए किस तरीके का आपको यहाँ पर गेट चाहिए तो वो जो है वो डिसाइड होता है किससे वो जो वो डिसाइड होता है आपकी सोच के ऊपर कि भैया आपको आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए वहाँ पे जैसे कि इस घर में वुडन वाला और कांच वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है बट अगर वो जो दूसरा घर होता तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें सेट होती ठीक है आप चाहे तो यहाँ पर पत्थर का भी गेट लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट भैया वो यहाँ पर सूट नहीं करेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पर फ्रंट एंड का जो है वो काम आ जाता है कि भैया आपको कौन सा वाला यूज़ करना है गेट तो उसी तरीके से आपके एप्लीकेशन में भी होता है जिसकी आपने एप्लीकेशन में चूज़ कर लिया चलो ठीक है हमको ये वाली विजिट लगानी हमको वो वाली विजिट लगानी है जिसमें क्या होगा कि नेटवर्क से मतलब इंटरनेट से इमेज फेच होके और हमारे एप्लीकेशन में दिखेगी बट अब उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि भैया आपको वहाँ पर Uh, कौन सा uh, जो है वो uh, लगाना है आपको जो है वो मटेरियल लगाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा इमेज में ठीक है आप दूसरी यूए किट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है लेआउट मिलेगा जैसे कि अगर आपने मटेरियल लगाया तो आपको इस तरीके का मिलेगा आपने कोई दूसरी यू किट करी तो आपको उसमें कुछ इस तरीके की इमेज दिखेगी आपने कोई और यू किट इस्तेमाल करी तो उसमें कुछ आपको इस तरीके का डिजाइन दिखने को मिल जाएगा इमेज का ठीक है रहेगी सब में क्या होगी नेटवर्क से फेच होगी बट ये रहता है कि भैया आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए आपको ये वाला डिजाइन चलेगा आपको ये वाली यू किट चलेगी आपको ये वाली यू किट चलेगी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए ठीक है एंड देन उसके बाद में आइकनस होते हैं जैसे कि आपके एप्लीकेशन में काफ़ी सारे आइकन होंगे एक होम बटन का या फिर आइकन होगा ठीक है होम बटन का होगा देन उसके बाद में सेटिंग्स का आइकन होगा तो सेटिंग्स का आपको जो है एप्पल का टा, टा, टाइप का चाहिए या फिर आपको मटेरियल यू का चाहिए या फिर आपको एंड्रॉड नेटिव का चाहिए तो कौन सा आपको यहाँ पर आइकन का डिज़ाइन चाहिए आइकन समझ गए भाई आपको सेटिंग का आइकन लगाना है ठीक है बट कौन सा आइकन लगवाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये होती है आपकी क्या होती है ये आपकी मट ये आपकी आ, आ, जो है वो मटेरियल एंड आप बोल सकते हो कि भैया जो हमारा विजिट्स लेयर होती है उसमें जो मटेरियल और क्यूपर लाइब्रेरी लाइब्रेरीज जो होती है उस वो जो उसको बोलते हैं आप डिज़ाइन सिस्टम की भैया कौन सा डिज़ाइन आपको यहाँ आप पर लगवाना है तो वो आपकी ये वाली ये वाली लेयर होती है ठीक है तो सब एक दूसरे के साथ काम करती है बट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो बट जब तीनों एक साथ काम करेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर बेस्ट एप्लीकेशन देखने को मिलेगा देन उसके बाद में दोस्तों ये सब काम हो गया देन उसके बाद में अब हम आते हैं नीचे वाले पे जो हमारा होता है एम्बेडर एम्बेडर अब एम्बेडर क्या होता है दोस्तों कि एम्बेडर होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट कि भैया आपका एप्लीकेशन तो बन गया अब आपको इस पर हमें ध्यान नहीं देना क्योंकि ये जो है वो फ्लटर डेवलप करता फ्लटर जो है वो सारा चीज़ें हैंडल करता है तो हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ठीक है अभी हम इस इस लेयर पर आ रहे हैं एम्बेडर वाली लेयर पर तो एम्बेडर वाली लेयर दोस्तों होती है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट की चलो आपने सब डिसाइड कर लिया कहाँ पर क्या होने वाला है बट अब ये है कि आपको जो है वो किस तरीके से आ, जो है वो आ, आ, किस फॉर्मेट में जो है वो अपने को एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट करना है कि आपको ए पी चाहिए कि आपको वेब एप्लीकेशन चाहिए क्या चाहिए ठीक है बनने के बाद तो वैसे ही जैसे कि आपके मकान में होता है कि आपने लैंड जो है वो ले ली अब आप लैंड जो है वो चाहो तो किसी दुबई में जो आपका अम्ब्रेला टाइप का जो एक लैंड जो समुद्र के ऊपर बसा हुआ है आप वहाँ पर भी लैंड ले सकते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके का घर जमेगा कि नहीं जमेगा ठीक है देन उसके बाद में आप हो सकता हो तो किसी पहाड़ पे भी लैंड ले सकते हो वहाँ पर ये घर जमेगा कि नहीं जमेगा सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वैसे आपका एप्लीकेशन में भी होता है कि भैया आपने ए पी के बना दिया आपने सारी चीज़ें सेट कर दी आपने सब कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली बट ये कि क्या ये वेब में चलेगा क्या वेब में अच्छा दिखेगा कि क्या ये एंड्रॉयड में अच्छा दिखेगा कि आई में अच्छा दिखेगा कि विंडोज़ में अच्छा दिखेगा सब में अलग अलग होता है ठीक है क्योंकि सब में आपको लेआउट अपने क्योंकि जिसकी सब सेट करा होगा जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कि आपने फाउंडेशन बनाई तो आपने फाउंडेशन में बोला कि भैया मुझे पाँच खम्भे चाहिए ठीक है पाँच एक दो तीन चार और इस तरीके के पाँच खंबे चाहिए और इस तरीके का मेरा घर बनेगा बट मान लो कि अगर आप यहाँ पर कहीं पर Uh, जो है वो किसी भूकंप वाले लाइक जापान में अगर आप लैंड लेते हो तो जापान में फिर आप लैंड लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो uh, कॉलम्स है उसको थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भूकंप काफ़ी आते हैं तो आपको इस तरीके डिज़ाइन करना पड़ेगा कि भैया कॉलम भूकंप से ही लेना तो उसी तरीके से अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करा और अगर आप उसको वेब में डालना चाहते हो तो वेब में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिव होता है आप स्क्रीन को आपके क्योंकि आपका लैपटॉप वैसे अलग होता है ना तो आप चाहो तो पूरा उसको पूरा दूर दूर भी कर सकते हो पूरा फुल स्क्रीन भी कर सकते हो या फिर मोबाइल व्यू में भी देख सकते हो या फिर टैबलेट व्यू में भी देख सकते हो किसी में भी आप वेब में देख सकते हो तो वैसा होना चाहिए अडेप्टबिलिटी होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन जो है वो वेब में अगर ओ, फुल स्क्रीन में ओपन हो तो वहाँ पर भी सुंदर दिखे वहाँ पर भी सारी चीज़ें ढंग से काम करें ठीक है जैसे कि आपका होता है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर कैमरा ओपन का बटन रखा तो आपने कैमरा ओपन का बटन रखा अब कैमरा आप ओपन करोगे तो एंड्रॉयड में ओपन हो रहा है बट क्या वो वेब में ओपन हो रहा है क्या वेब में कैमरा एक्सेस ले पा रहा है तो वो उसके लिए आपको अलग से कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी तो क्या वो उसमें सस्टेन कर कि क्या उसको क्या वो उस प्लेटफॉर्म को अडेप्ट करेगा तो ये सब दोस्तों होता है हमारा डिसीजन कि भैया हमें कौन से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पे इसको जो है वो होस्ट करना है हमारे एप्लीकेशन को वो हमारा काम जो वो पूरा संभालता है एम्बेडर ठीक है जैसे कि हमने एप्लीकेशन बना लिया देन उसके बाद में कौन से पे करना है देन वो एम्बेडर पे डिपेंड डिसाइड करता है कि भैया कौन सा आप प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हो जैसे कि जैसे कि हमारा मकान में होता है कि भैया आपने मकान का चलो डिजाइन विजाइन नक्शा नक्शा बना लिया आपने सब कुछ डिजाइन कर ली कि आपको कैं कैसी खिड़की चाहिए क्या चाहिए कि आपका क्या क्या डिज़ाइन होना चाहिए आपने सब डिसाइड कर लिया बट वही है कि आपको लैंड का भी नॉलेज होना चाहिए कि लैंड कहाँ पर है भैया जापान में है कि भैया दुबई में है कि इंडिया में है कि पहाड़ पर है कि कहाँ पर तो आपको डिसाइड करना पड़ता है ठीक है देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है कोर ऑपरेशन जैसे कि कोर ऑपरेशन आपके क्या हो जैसे कोर ऑपरेशन आपके हो गए कि भैया अब इंजन वाले पर हम आ रहे हैं ना हम कोर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम रियल लाइफ की एक, एक एनालॉजी ले तो रियल लाइफ में कि जो यूटिलिटी और सर्विस होती है हाउस में कि इलेक्ट्रिसिटी कैसी लगनी है प्लम्बिंग कैसी होनी है ठीक है ये सब ये सब कौन डिसाइड ये सब किससे डिसाइड होता है ये इंजन वाले से कि भैया चलो मकान वकान तो बन गया टोटल आपने सब डिसाइड भी कर लिया बट अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से डलेगी उसमें ठीक है देन उसमें आ, कैसे, कैसे, आ, हर, आ, कैसे कैसे हर फ्लोर में लाइटिंग लगेगी कैसे कैसे हर फ्लोर में हर रूम में जो है वो प्लम्बिंग होगी पानी का कनेक्शन जाएगा सब इंटीरियर चीज़ें होती है बट एसेंशियल होती है वो ठीक है तो वो होता तो है आपके कोर ऑपरेशन की वो तो करना ज़रूरी है तो वो सब कौन हैंडल करता है हमारा ये जो इंजन वाला पार्ट है ये हैंडल करता है तो इंजन वाला पार्ट वो करता है तो इंजन जो है वो रिटर्न होता है सी प्लस प्लस में और ये आ, टास्क हैंडल करता है कि भैया किस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन रिसाइज़ होनी है ठीक है देन टैक्स लेआउट किस तरीके से सेट होना है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किस तरीके से होना है ठीक है देन उसके बाद में आ, ये इंश्योर करता है इंजन कि भैया आपका जो ऐप है वो स्मूथली रन करे ज, वैसे ही जैसे आपके घर में होता है कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो वो एक एक इंश्योर करता है कि स्मूथली सारे फ्लोर्स में जाए और सारे घर में लग जाए तो ये सब कौन हैंडल करता है हमारे इंजन वाला पार्ट हैंडल करता है ठीक है देन उसके बाद में होता है आपका इंटरफेस टू द इंजन जैसे कि इंटरफेस टू द इंजन क्या होती है आपकी लाइब्रेरीज होती है जैसे कि आप जब फ्लटर में काम करोगे तो फ्लटर में काम करने जाओगे तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी वो होती है फ्लटर डॉट डॉट और मटेरियल डॉट डॉट ठीक है तो आपको ये सारी चीज़ें मटेरियल डॉट डाट आपकी जो है वो यहाँ पर लाइब्रेरी होती है जिसको आपको जब भी आपको एप्लीकेशन बनाते हो तो इम्पोर्ट करना ही पड़ता है ठीक है अगर आपको लेआउट और वेजिट से रिलेटेड कुछ काम करना हो तो तो ये जो होता है दोस्तों जो लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसकी मदद से हम जो है सारे काम कर पाते हैं तो हर चीज़ के लिए आपको यहाँ आप पर लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए भी अगर आपको टेक्स्ट टेक लिखना है तो उसके लिए भी आपको एक लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा जो कि होते हुए हमारी मटेरियल देन मान लीजिए कि अगर आपको इमेज लगाना हो तो इमेज के लिए भी लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है ठीक है वो भी होती है मटेरियल देन मान लो कि अब आपको कन्वर्ट करना है ठीक है या फिर मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो हाँ अगर मान लो आपको आइकन लगाना है तो आइकन के लिए भी लाइब्रेरी होती है तो ये सारी जो लाइब्रेरी है दोस्तों वो कनेक्ट किससे करती है इस इंजन से इस इंजन से कनेक्ट करती है जैसे कि मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एनोलॉजी दूँ तो ये जो होता है आपकी जो लाइब्रेरीज होती है वो होती है आपकी कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल जो जितनी भी आपकी यूटिलिटीज़ होती है उसका कंट्रोल पैनल होता है जैसे कि लाइब्रेरी uh, जो uh, वो एक्सपोज करती है इंजन की कैपेबिलिटी को डार्ट प्रोग्रामिंग में मतलब कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप डार्ट प्रोग्रामिंग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं uh, जो डेवलपर्स को अलाउ करती है ग्राफिक और इनपुट देना और टेक्स्ट रेंडिंग कराना ये सब के uh, ये सब को अलाउ करती अलाउ करती है लाइब्रेरीज डेवलपर्स को ठीक है तो डेवलपर फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं प्राइमरी डार्ट लैंग्वेज में एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए बट फ्रेमवर्क में टूल्स एंड लाइब्रेरीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है जिससे कि हमारा ये सारा काम सिंपल हो जाता है आप चाहो तो ये खुद से भी क्रिएट कर सकते हो बट आपको सबसे पहले तो इसकी डार्ट में जो है वो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी दैन तो वहाँ पर सी सी प्लस प्लस का उस सपोर्ट है कि नहीं वो सब देखना पड़ेगा किस तरीके से वहाँ पर सर्विस प्रोटोकॉल काम करेगा किस तरीके से कंपोजिशन होगा उसका प्लेटफॉर्म चैनल अच्छे किस तरीके से वहाँ पर डिसाइड होंगे उसके तो बाद में रेंडरिंग किस तरीके से होगी सिस्टम इवेंट फ्रेम शेड्यूलिंग किस तरीके से होगी ये सब आपको देखना पड़ेगा बट थैंक्स टू गॉड कि हमें यहाँ पर थैंक्स टू डार्ट थैंक्स टू डेवलपर्स कि हमें यहाँ पर काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ मिलती है जिसकी मदद से हम जो है वो ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये होता है दोस्तों हमारा कंप्लीटली फ्रेमवर्क इंजन और एम्बेडर का काम एक बार वापस समझाता हूं तो फ्लटर ऐप्स जो है वह एक पैकेज देते हैं जस्ट लाइक नेटिव एप्लीकेशन हर प्लेटफॉर्म के लिए और ये सब डन होता है एम्बेडर की एम्बेडर की मदद से जो हमें अलग अलग टाइप के अगर आपको एंड्रॉड चाहिए तो एंड्रॉड आईओ चाहिए तो आई वेब चाहिए तो वेब डेस्कटॉप चाहिए तो डेस्कटॉप सबकी जो है वो एक फाइल क्रिएट करके देते हैं और इंश्योर करते हैं कि भैया ये स्मूथली रन करें डिफरेंट डिवाइसिस में ठीक है ये एम्बेडर का काम होता है Uh, तो ये दोस्तों कम्प्लीटली हमारा uh, जो होता है अब अगर मैं आपको एक कम्प्लीटली ओवर ओवर ले दूँ तो सबसे पहले होती है दोस्तों फाउंडेशन लेयर कि जहाँ पर आप बेसिक एनिमेशन और बेसिक एनिमेशन और जेस्चर्स जो वो डिसाइड करते हो ये हमारी होती है फाउंडेशन लेयर दैन उसके बाद में होती है हमारी रेंडरिंग लेयर रेंडरिंग लेयर के डिस डिसाइड करती है दोस्तों कि uh, किस तरीके से आपके यहाँ पर आइटम्स प्लेस होने चाहिए स्क्रीन में दैन उसके बाद में होती है दोस्तों विजिट्स लेयर विजिट्स लेयर ये डिसाइड करती है दोस्तों कि किस तरीके से आपको, आपको यहाँ पर इंटरेक्टिव कॉम्पोनेंट लगाने लाइक बटन और टेक्स्ट ठीक है लेआउट डिसाइड कर लिया देन उसमें क्या क्या आपको लगाना है वो विजिट लेर डिसाइड होती है देन मटेरियल लाइब्रेरी मटेरियल लाइब्रेरी दोस्तों डिसाइड करती है जब का फाउंडेशन हो गया एनिमेशन हो गया रेंडरिंग हो गया विजिट्स हो गया देन उसको मटेरियल और जो सबसे लास्ट हमारी जो ब्लॉक है वो हमारा मटेरियल और क्यूपर्टिनो लाइब्रेरी जिसको आप मटेरियल लाइब्रेरी भी बोल सकते हो जो कि डिसाइड करती है कि किस तरीके से आप मटेरियल यू आई किट का इस्तेमाल करके मटेरियल डिज़ाइन को यूज़ करके अपने ऐप को एक कंसिस्टेंट और मॉडर्न लुक दे सकते हैं ठीक है थेके? तो ये फ्लटर के आर्किटेक्चर को दोस्तों समझ के आप एक एफिशिएंट और हाई क्वालिटी एप्लीकेशन बना सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक बढ़िया सा घर क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा एक बार वापस मैं समझा देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जितना तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये सबको मैं मिटा देता हूँ और वापस से आपको एक बार समझा देता हूँ तो समझाता हूँ दोस्तों किस तरीके से फाउंडेशन लेयर क्या जा होती है फाउंडेशन लेयर दोस्तों डिसाइड करती है या जा डिसाइड करती है कि किस तरीके से आपके उसमें बेसिक एनिमेशन और जेस्चर्स जा होंगे ठीक है तो ये इतने लेयर डिसाइड करती है कि किसी उसमें एनिमेशन और जेस्चर्स पुटोंगे दिन उसके बाद में क्या होती है रेंडरिंग लेयर कि आपको भैया कहाँ पर कौन सा आइटम प्लेस करवाना है कितनी स्क्रीन से रहने वाली है कौन सी स्क्रीन कैसे रेंडर होगी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आइटम्स प्लेस होंगे वो आपकी रेंडरिंग जो है वो डिसाइड करते हैं हम उस रेंडिंग से डिसाइड करते हैं दिन उसके बाद में होती है विजिट्स लेयर तो भैया आपको यहाँ पर कौन कौन से विजिट्स उस आइटम जाओ आपने सेलेक्ट करें कि भैया यहाँ आप ये यह प्लेस होना चाहिए तो आप किस उसमें आप क्या क्या प्लेस करोगे कौन से विजिट प्लेस करोगे वो विजिट लेयर डिसाइड करती है दिन उसके बाद में होती है आपकी मटेरियल मटेरियल लेयर जो जिसका मटेरियल लाइब्रेरी भी बोल सकते हो कि उसमें डिसाइड होता है कि भैया मटेरियल डिजाइन का इस्तेमाल करके किस इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को एक अच्छा लुक देख सकते हो ठीक है देन इंजन क्या डिसाइड करता है जिस तरीके से घर में डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी और पाइपलाइन किस तरीके से बिछेगी जिससे कि घर घर लगे और घर स्मूथली रन करे तो वो डिसाइड होता है दोस्तों तो किस किसी मदद से वो डिसाइड होता है आपका इंजन की मदद से कि भैया किस तरीके से यहाँ पर आ, फ्रेम शेड्यूलिंग होगी किस तरीके से टेक्स्ट लेआउट होगा किस तरीके से इनपुट आउटपुट सिस्टम बैठेंगे वो सब हमारा इंजन डिसाइड करता है देन उसके बाद में किस तरीके से आप यहाँ पर अगर एम्बेडर पर तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफ़िक होता ही है और किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें काम करें जो आपने चीज़ें इन दो में डिसाइड करी है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से काम करेगी उसका सारा जो डिसीजन होता है सारा जो प्रोसेसिंग होता है वो आपका एम्बेडर संभालता है तो ये तो दोस्तों फ्ल्टर का आर्किटेक्चर जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम होता है कि पहले ये नीचे से ऊपर जाते हैं एंड देन उसके बाद में ऊपर से पूरा निकल करके और नीचे तक आते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हमारा काम होता है फ्लटर के आर्किटेक्चर में ओके तो वो दोस्तों उम्मीद है कि जब भी आपसे कोई फ्लटर का आर्किटेक्चर पूछेगा तो आप उसको इस घर के एग्ज़ाम्पल को याद करके और कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से कैसे काम होने वाला है और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा फ्लटर के आर्किटेक्चर में अब दोस्तों फ्लटर का आर्किटेक्चर तो हो गया अब हम समझते हैं एनाटॉमी ऑफ एन एप्लीकेशन कि किस तरीके से जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वो काम करता है ठीक है कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें काम करती है तो हम वो समझते हैं दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से लैंग्वेज और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हेल्प करती है हमें हमारे एप्लीकेशन को कंप्लीट क्रिएट करने में तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो कि हमारा केक बेकिंग का एग्ज़ाम्पल ठीक है तो एक केक बेकिंग का एग्जाम्पल लेके हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलो ब्रेक डाउन करते हैं सबसे पहले जो दोस्तों लेयर है वो है आपकी डार्ट की लेयर ठीक है जो है आपकी क्या है डार्ट की लेयर तो डार्ट की लेयर दोस्तों क्या होती है आपको समझो कि जैसे बेकिंग में आपकी होती है अब ज़रा जी आप केक बनाने जा रहे हो ठीक है आपको एक कम्प्लीटली केक बनाना है तो केक के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए आपको चाहिए रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स ठीक है सबसे मेन ये होता है कि आपको रेसिपी चाहिए कि भैया कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सब आपको चाहिए तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा इस वाले लेयर में मिलेगा ठीक है इस वाले लेयर में मिलेगा कि जैसे कि आपको चाहिए कि भैया अगर आपको रेसिपी और इंग्रेडिएंट चाहिए तो इन फ्लटर में आपको डार्ट कोड चाहिए कि डार्ट कोड में आपको किस तरीके से यू डिज़ाइन करना है आपको डार्ट का कोड के लिए आपको यहाँ पर चाहिए डार्ट का सबसे सब पहले लैंग्वेज ला और फ्रेमवर्क चाहिए फ्लटर का ठीक है तो उसमें आप किस तरीके से यू आई यूज़ करोगे किस तरीके से आप यहाँ पर आ, ये डिसाइड करोगे कि आपका एप्लीकेशन बिहेव करना चाहिए वैसे जैसे कि आपकी रेसिपी ये कि किस तरीके से क्रिएट होती है क्रिएट क्या क्या आपको सामान लगेगा क्या क्या आपको किस तरीके से बनाना है ये सब आप रेडी करते हो किस में डाट में लिख के ठीक है कोड लिख के तो ये जो है वो कम्प्लीटली क्रिएटेड होता है और कंप्लीटली क्रिएटेड बाय डेवलपर होता है और डेवलपर इस पर कम्प्लीटली काम करता है ठीक है देन उसके बाद में इतना जो आप देख रहे हो कि डार्ट सी प्लस पर इतना जो आपका काम होता है ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं होता ये होता है आपका प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक मतलब के प्लेटफॉर्म से हट के होता है इसमें तो आप आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से उस पर रिएक्ट करेगा ठीक है आप बना रहे हो तो आपको देखना पड़ता है आप जब आप उसको आ, रन करोगे तब तो आपको देखना पड़ता है किस तरीके से बट जब आप बना रहे हो लेआउट सेट करते समय जो है वो आप इस पर जो भी काम करोगे वो प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक होता है कि प्लेटफॉर्म इस डिसाइड नहीं होता कि अगर आप उसमें बोलोगे कि भैया एक इमेज जो है वो इतनी सी रहनी चाहिए आपके एंड्रॉयड में काफ़ी अच्छी दिख रही है और आपके वेब में काफ़ी छोटी दिख रही है तो आपको डाट वहां पर कोई एरर नहीं देने वाला कि भैया ये वेब में जो वो छोटी दिखेगी और एप्लीकेशन में बड़ी दिखेगी तो इसको फिक्स करो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर रहता है कि आपको कैसे उसको क्रिएट करना है और कैसे बिहेव करना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर रहता है ठीक है दरअसल बाद में दोस्तों आता है फ्रेमवर्क ठीक है फ्रेमवर्क क्या देता है दोस्तों आपको टूल्स और आ, मतलब आपको टूल्स और साथ साथ में आपको टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है उसी तरीके से जिस तरीके से आपका किचन होता है किचन और टूल्स रहता है जैसे कि अब आपने एक रेसिपी जान ली अब आपने इन्ग्रीडियंट जान लिया अब आपको चाहिए भैया कि चलो मुझे अब इसके लिए एक सबसे पहले तो एक ओवन चाहिए केक बनाने के लिए देन उसके बाद में इस तरीके की चम्मच चाहिए देन इस तरीके की एक टेबल चाहिए देन एक बाउल चाहिए देन एक ये चाहिए तो ये सब आपको कौन प्रोवाइड कराता है ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्रेमवर्क कि भैया चलो फ्रेमवर्क आपने बोल दिया कि भैया इस तरीके का लेआउट होना चाहिए अब इसमें हमें चाहिए कि भैया हमें इमेज का कंपोनेंट चाहिए जिसमें हम अगर इमेज का यूआरएल पास कराएं तो इमेज शो हो जाए ठीक है हमें टेक्स्ट चाहिए एक जिसमें हम टेक्स्ट हमारा लिखें तो टेक्स्ट वहाँ पर प्रिंट हो जाए तो ये सब आपको कौन प्रोवाइड कराता है ये सब आपको प्रोवाइड कराता है आपका फ्रेमवर्क उसी तरीके से जिस तरीके से आपका यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट टूल्स और किचन अप्लाइंस चाहिए उसी तरीके से आपका यहाँ पर फ्रेमवर्क काम करवाता है ठीक है देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर होता है कि अब हमारा आ गया हम इस पर आ गए इंजन पे ठीक है हमारा इससे काम हो गया कि हमें कैसे क्या करना है फ्रेमवर्क हमने फ्रेमवर्क ने हमें टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करा दी अब हम आते हैं हमारे इंजन के ऊपर तो इंजन दोस्तों होता है आपका बेकिंग प्रोसेस आपने सब सामान आपको मिल गया आपके सारे इन्ग्रीडियंट में भी मिल गए ठीक है आपने केक बना दिया अब केक को क्या करना है आपको बेक करना है ठीक है कि जब आप बेक करोगे तभी जाकर आपका केक बनेगा तो जिस तरीके से ओवन वर्क करता है अब हमको नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया ओवन जो है हमारा वो किस तरीके से काम करता है उसमें क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है वो कैसे गर्म होता है उसमें ढक्कन में टाइमर किस तरीके से कम होता है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम खाली क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके छोड़ देते हैं ठीक है तो उसी तरीके से दोस्तों तो 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 हमारा इंजन होता है हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया इंजन किस तरीके से काम करता है कैसे कैसे वो जितनी भी वो हमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि भैया हमने केक को रख दिया तो, तो केक बेक कैसे होगा क्या क्या उसमें केमिकल रिएक्शन होगी किस तरीके से सा सारे कलर्स जो तो है वो फ्लेवर जो है वो एक दूसरे में मिलेंगे किस तरीके से सब कुछ मेल्ट होगा हमें फर्क पड़ता तो से दे 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 दोस्तों हमें इंजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमने डार्ट और फ्रेमवर्क की मदद मतलब से जो बनाया है उसको इंजन जो वो किस तरीके से जो वो कोड करता है किस तरीके से वो यहाँ पर लो लेवल टास्क लाइक ग्राफिक्स को ड्रॉ करना देन टेक्स्ट को लेआउट करना और डार्ट कोड को रन करना वो किस तरीके से करता है हमें नहीं फ़र्क पड़ता हमें बस चाहिए कि भैया रन होना चाहिए हमें नहीं पता हमको तू हमारा केक बेक करके दे हमको नहीं पता तू कैसे बेक कर रहा है बट हमको बेक करके दे उसी तरीके से हमारा यहाँ इंजन भी होता है कि हमें नहीं पता भाई कि तू फ्रेमवर्क और डार्ट एप्लीकेशन के कोड को कैसे क्या मिक्स कर रहा है किससे क्या अ, मिला रहा है हमको नहीं पता बस हमें जो है वो चाहिए कि तू उसको हमारा जो अगर हम एंड्रॉयड में रन करा रहे हैं तो वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए हमको प्रिंट करके दिखा हम जैसा एक्सपेक्टेड चाह रहे हैं तो वो हमारा इंजन का काम होता है ठीक है जो कि सी ओ सी प्रोसेस में लिखा होता है तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता देन उसके बाद में दोस्तों हमारा होता है क्या उसके बाद में दोस्तों हमारा होता है एम्बेडर अब ये एम्बेडर पर हम आ गए। अब एम्बेडर क्या होता है दोस्तों आपका किचन का एन्वायरमेंट ठीक है जैसे कि आपका बेकिंग में होता है किचन का एन्वायरमेंट होता है ठीक है कि Uh, इसमें क्या क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं आपको गैस मिल रही है कि नहीं ठीक है देन आपको लाइक आपको वाटर मिल रहा है कि नहीं जिससे कि सारी चीज़ें स्मूथली रन हो तो वो सब हमारा जैसे किचन में होता है कि uh, भाई पानी मिल रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है कि नहीं गैस मिल रही है कि नहीं तो उसी तरीके से दोस्तों तो तो फ्लटर में जो एम्बेडर होता है वो जो है वो ऑपरेट करता है किससे किसके बीच में आपके फ्लटर के बीच में आपके फ्लटर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अगर आप एंड्रॉड में रन करा रहे हो तो हमारा एम्बेडर क्या करेगा कि एंड्रॉयड से कॉन्टेक्ट करेगा और एंड्रॉइड से कॉन्टैक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिफरेंट से डिसाइड करेगा कि भैया चलो अच्छा ये एंड्रॉइड है तो एंड्रॉयड में क्या होता है कि भैया एंड्रॉयड में हमारा Uh, जो लूप uh, है वो इस तरीके से रन करता है जो रेंडरिंग uh, सरफेस है वो इस तरीके से काम करती है इनपुट है वो इसमें इस तरीके से लिया जाता है क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो किस में बनाए कोटलिन में बना है ठीक है कोटलिन जावा में बनाए आपको जो आईओएस ओ बनाए वो किस में बनाए स्विफ्ट में बनाए तो हमारा एम्बेडर का काम होता है कि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉन्टेक्ट करे और ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉन्टेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पर इंजन ने बोला है कि चलो इस तरीके से ड्रॉ होना है इस तरीके से इनपुट टेक्स्ट लेआउट सेट होना है तो वो एम्बेडर को बताता है कि भैया देखो ऐसा ऐसा मामला है फिर एम्बेडर बोलता है कि चलो ठीक है ऐसा सा मामला है ओके okay, मैं समझ गया अब मैं एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम से कांटेक्ट करता हूँ और उससे पूछता हूँ भैया कि किस ये जो इस तरीके के प्रोसेस है वो आपके अंदर कैसे होता है ठीक है और कैसे उसको करना है तो वो सब कौन हैंडल करता है वो सब हैंडल करता है दोस्तों हमारा एम्बेडर ठीक है तो ये हमने एम्बेडर का समझ लिया अब एम्बेडर हो गया दोस्तों इसके बाद में हमारा होता है रनर रनर क्या होता है दोस्तों हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन जैसे कि हमारा केक हो गया अब केक बेक हो गया और बेक होने के बाद में हमने वहाँ पर देख भी लिया कि सर सर अब जो केक जैसे कि केक बेक होता है ठीक है केक बेक होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है क्योंकि ओवन है तो उसी तरीके से दोस्तों अगर इंजन चल रहा है तो इंजन के लिए एम्बेडर रिक्वायर्ड है कि चलो इंजन ने बना लिया अब एम्बेडर इसको डालना कहाँ पर ठीक है कैसे क्या इसको डालना है तो वो सब हमारा इंजन और एम्बेडर रिसेट करता है देन उसके बाद में हमारा आता है दोस्तों रनर ठीक है रनर की बात कर रहे थे हम उससे उसका रनर आता है रनर होता है हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन कि अब हमारा केक बेक हो गया अब हमको क्या करना है कि उसको प्लेट में रखना है और सर्व करना है कि हमें उसको सर्व करना है कि भैया लो खाओ ठीक है तो उसी तरीके से हमारा रनर होता है जो हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन का काम करता है रनर क्या करता है कि सारे पीसेस को लाइक like, एम्बेडर uh, और पैकेज से एम्बेडर और एम्बेडर से जो हमारा पैकेज मिलता है वो सब जितना भी होता है उसको जो हमारा जो टारगेट प्लेटफॉर्म है जो हमारा डिवाइस है उसमें पुट करता है ठीक है उसमें डालता है और डालने के बाद में उसको यहाँ पर रन करके खोल के हमें दिखाता है तो ये क्या होता है दोस्तों ये होता है हमारा ये काम करता है हमारा रनर एम्बेडर कॉन्टेक्ट करने का काम करता है एंड जो रनर होता है वो क्या करता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ए से रनर इंजन एम्बेडर से जो चीजें जाती है वो रनर में जाती है और फिर रनर उसको रन करता है बोलता है ये लो एप्लीकेशन भैया चलाओ ठीक है जो आपने बनाया था वो इधर निकल गया इसको चलाओ ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है डार्ट कोड डार्ट जो हमारा एप्लीकेशन होता है डार्ट ऐप जो होता है वो हमारा क्या होता है विजिट्स होता है और बिजनेस uh, लॉजिक मतलब कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन बिहेव करता है वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करवाता है विजिट्स जैन जेस्चर डिटेक्शन देन आ, क्या क्या आ, जो यहाँ पर टेक्स टेक्स्ट विजिट ठीक है ये सब हमें कौन कौन सप्लाई करता है फ्रेमवर्क सप्लाई करता है इंजन का जो दोस्तों हमारा काम होता है वो होता है रेंडरिंग और कोर फंक्शनलिटीज़ का एम्बेडर का काम होता है दोस्तों कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक इंटीग्रेशन और सर्विस को ये संभाले देन उसके बाद में हमारा जो रनर का काम होता है वो होता है इस सबको पैक करके और एप्लीकेशन को एक टारगेट प्लेटफॉर्म पर रन करें ठीक है दोस्तों तो ये होती है दोस्तों कम्प्लीटली किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन काम करता है मैंने आपको कम्प्लीटली बताया हमारा काम जो रहेगा दोस्तों हमारा काम सिर्फ यहाँ पर रहेगा जिस और हम इसका यूज़ करके और इसको जो है वो मॉडिफ़ाई करेंगे हम सिर्फ ये एक ब्लॉक को जो है वो मॉडिफाई uh, करते बाकी सारी चीज़ें फ्ल्टर खुद हैंडल करता है ठीक है इसमें हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं तो हमें सिर्फ इस एक ही ब्लॉक को एडिट करना है और जो मैंने जिसके हमने आपको यहाँ पहले बताया था कि हमको सिर्फ इसी ब्लॉक को जो है वो एडिट करना है इसी ब्लॉक को सारा चीज़ें देखनी है जिसमें हमें इसको और इसको देखने की भी जरूरत नहीं हमें जो बस ये दो तीन जो ब्लॉक से इनको संभालना होता है और इससे हमारा पूरा एप्लीकेशन बन जाता है बाकी जितना भी सब मामला है वो सारा आपका फ्लटर हैंडल कर लेगा सारा कुछ फ्लटर जो फ्रेमवर्क हमने डाउनलोड कराया और सेटअप कराया हमारे डिवाइस में वो सारा इसको हैंडल कर लेगा तो उम्मीद है दोस्तों आपको आ, आ, जो है वो कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आए होगा फ्लटर आर्किटेक्चर के बारे में और जो एप्लीकेशन की एनाटोमी होती है वो समझ में आई होगी उम्मीद है अब आप कभी भूलेंगे नहीं अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा करना हो तो आप यहाँ पर ये केक एक बेक वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं एनोटॉमी अगर जानना हो तो आर्किटेक्चर के बारे में समझना हो तो आप एक घर वाला एग्जाम्पल समझ के और कम्प्लीटली किसी को भी ये पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है ठीके? अगर कभी आपसे इंटरव्यू पूछे कि फ्लटर के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो तो आप जो उसको अगर ऊपर ऊपर से भी बताएंगे इतने सारे नाम नहीं बताएंगे और खाली वर्किंग भी बता देंगे तो जाएगा क्योंकि मेनली जो हमें नॉलेज चाहिए वो इन चीज़ों में चाहिए ठीक है ये चीज़ें बस हमारे जानने लायक होती है कि ठीक है हमें जानना चाहिए कि भैया कैसे काम करता है ताकि कभी कोई हमसे पूछ ले तो हमें बताने को रहे बट हमें मेनली इन सब चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों का कि भैया डार्ट रन टाइम एम जी फ्रेम शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है सिस्टम इवेंट्स किस तरीके से होते हैं ये सब जानने की आपको जरूरत नहीं है एज एन एप्लीकेशन डेवलपर उसी तरीके से अगर आप इस डायग्राम को भी याद रखते हैं तो भी आपका काफ़ी सारा काम हो जाता है ठीक है बट ये याद रखिएगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक कौन कौन से प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ये चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी पूछती जाती हैं ओके तो ये दोस्तों कम्प्लीटली हमारा जो है वो डार्ट का इकोसिस्टम जो होता है वो कम्प्लीटली इस तरीके से काम करता है डार्ट एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंजन एम्बेडर रनर ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से फ्लटर का आर्किटेक्चर और फ्लटर का जो एनाटॉमी है एप्लीकेशन की एनाटॉमी है वो किस तरीके से काम करती है दोनों को मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है और उम्मीद आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम जो है वो यहाँ पर कोड कर कर करके अब सारी चीज़ समझेंगे और अब क्योंकि वही काम है अब हम कोड करेंगे दोस्तों पूरा सेटअप हो चुका है सेटअप वेटअप हो चुका है डार्ट के बारे में समझ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में समझ चुके हैं फ्लटर के आर्किटेक्चर को समझ चुके हैं डार्ट के बारे में जान चुके हैं फ्लटर के बारे में जान चुके हैं ठीक है सब कुछ uh, सब कुछ चीज़ें हम जो दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो से जो बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं आपके फ्लटर uh, में और अब हम डायरेक्टली सारी चीज़ें फ्लटर से देखेंगे और अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन में सारी चीज़ें रन कर करके और वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा ओके तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा आज का वीडियो पसंद आया होगा ठीक है तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए बाय